उसामा साहब कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम सुनील साहब, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो, आपने गाड़ी ले ली माशाल्लाह। काफी बिजी होते हैं जी। मेरी सेल्स टीम ने आपसे काफी दफा रब्ता किया कि आप टाइम निकाले, हम वीडियो डालना चाहते हैं पार्क व्हील्स के पेज पे। बड़ा अच्छा लगा। कब गाड़ी आपने ऑर्डर की थी? सुनील भाई, ये गाड़ी मैंने 7-8 महीने पहले जो है वो ऑर्डर कर दी थी। अच्छा। लेकिन इसको आते आते काफी जो है ना वो टाइम लग गया। असल में कराची में कस्टम पे जो है ना वो बहुत मसले मसाले के साथ हुए थे। ये पाकिस्तान में सिर्फ गवर्नमेंट में बड़े प्रॉब्लम है। ये सिर्फ 4 गाड़ियां हैं यहाँ पाकिस्तान में। मैंने आपको बताया था हमारे पास खड़ी हुई थी ऑलरेडी, तो मर्सिडीज का ये है की मर्सिडीज का जो कम्फर्ट है वो जिस गाड़ी में आपको बिल्कुल। और दूसरी बात ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, पाकिस्तान में भी ट्रेंड आ रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ी का। ठीक है, लाइट होती है आपके पास घर पे? नहीं, जनरेटर रखा हुआ है स्टैंड बाय। जनरेटर रखा हुआ आपने? वो सरकार का पैसा आपके पास बहुत है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह। ठीक है। आपको याद होगा ये एक, तो इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स है आपकी गाड़ी में? सुनिए, इसमें ये इंफोटेनमेंट सेंटर है 6x6 का, 8x8 का है। तो इसके अलावा ये गाड़ी जो है ये सुपर क्रूज भी है इसमें। सुपर क्रूज? जी। ये क्या चीज होती है सुपर क्रूज में? ये लाइन असिस्ट होता है और ये लाइन असिस्ट और लाइन चेंज खुद करती है। ओके, कौन सी ये लाइन है? वो लाइन नहीं, नहीं ये वाली लाइन है। ये लाइन वो वाली नहीं। अच्छा। तो इसके अलावा जो है इसमें जो है ना वो इसकी हॉर्स पावर जो है वो 600 है। किसकी हॉर्स पावर? हॉर्स पावर जो इलेक्ट्रिक बैटरी। ये झटके क्यों लग रही है गाड़ी में? नहीं, मैं आपको ये ब्रेक वगैरह इसलिए दिखा रहा हूँ ना। अच्छा, चेक करवा रहे हैं आप? अच्छा। तो बाकी ये एक कराची में बंदा है शिराज, उसने मंगवाई थी साल पहले। उसके बाद एक लाहौर में अली अली नारवी जी, वो हबीब बिल्डर। उनका गैराज, हाँ हबीब बिल्डर, उनका गैराज आपने टूर किया था पिछले महीने। वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, आपने वीडियोस देखी थी हमारे पेज पे? हाँ, लास्ट मंथ आपने बनाया था उनका गैराज टूर। काफी बड़ी अच्छी उनके पास कलेक्शन। उनके पास बहुत गाड़ियों का कलेक्शन है। उनका गैराज टूर था। गैराज बहुत बड़ी है, गोल होती जा रही है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नहीं, उन्होंने अच्छी गाड़ियाँ रखी शुरू की। पहले तो वो जो है वो V8 से नीचे गाड़ी रखते। वो बता रहे थे तो वो अपना पूरी इलेक्ट्रिक का इम्प्लांट लगवाएंगे। उनका प्लान था कि के इलेक्ट्रिक को खरीदने का। जी जी। लेकिन शिराज के पास भी जो है टुंड्रा, मैंने लास्ट टाइम टुंड्रा जी जी। अच्छा, ट्रक भी रखने में उसने, तो मैंने तो अभी शुरू किया है तो। लेकिन ये कि अंकरी मेरा भी गैराज का टूर अब अगली वीडियो में दिखाएंगे। जरूर दिखा रहे हैं। आप इसमें कार वॉश का हमारा यूज करें, हमारे पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है। हमारे पास पार्क व्हील्स हमेशा क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज नहीं, ये बात है। पार्क व्हील हमेशा अपनी गाड़ी। आप यकीन करें मेरे पास एक ब्रिगेडियर साहब की कॉल आई। अच्छा, आपको पता है ब्रिगेडियर साहब की कॉल, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे बोला कि सुनील साहब मैं हर जगह गाड़ी ले गया, किसी ने गाड़ी में कोई मसला नहीं निकाला। आपकी जो टीम थी उन्होंने मसला निकाला। प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी कंपनी है ना वो बड़ी कंप्यूटराइज है, वो कभी भी हराम के पैसे पे नहीं पड़े, हमेशा लीगल वे से चलती है। तभी ब्रांड है पार्क व्हील्स, ब्रांड का नाम है। और पार्क व्हील्स की आप हिस्ट्री पढ़े, पार्क व्हील्स की हिस्ट्री जो है मैंने पढ़ी थी, ये तो बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन इसको तो रिकॉग्निशन अब मिली है अभी 2-3 साल। हाँ, जब से मैंने खरीदी ना, जब से आपने जी हिस्ट्री आया, पहले तो इसको कोई जानते नहीं था। अभी लोग आ रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ, अभी पहले तो सिर्फ देसी मैकेनिक थे और उनके साथ लोग ये भी हमारे मामला करते थे। अच्छा सुनील साहब, मुझे इस गाड़ी के बारे में कुछ फीचर्स बताएंगे, ये क्या इस फीचर्स हैं, इस गाड़ी में क्या क्या है? गाड़ी सुनील भाई, ये गाड़ी टोटल इलेक्ट्रिक है। ठीक है, और ये गाड़ी जो है इसमें मोटर जो है 600 लगी हुई है। 600 की? जी जी, 600। इसकी पावर बहुत अच्छी पावर थी। ये इसकी पावर है जो मैं आपको दिखा रहा था। इसके अलावा जो है इसका इंफोटेनमेंट सेंटर जो है, ये क्या 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 इंफोटेनमेंट सेंटर? अच्छा, ये बिल्कुल इन्होंने मेबैक वाली लुक दी हुई है इसको। ठीक है, ये बिल्कुल मेबैक ही है। जी बिल्कुल, ये मेबैक है, बस इसका ये EQE है और उसका जो वर्जन वो मेबैक। इसलिए रिम आपको मैं दिखाऊंगा, बहुत प्यारे रिम है इसके। अच्छा,
तो इसके अलावा जो है इसका ओवरऑल गाड़ी अच्छी है और एवरेज बहुत अच्छी देती है, ये 300 माइल्स दे देती है। अच्छा, आपको इसी बजट में आपको काफी गाड़ियों के ऑप्शन थे, लैंड क्रूजर V8 थी, आप रेंज रोवर ले सकते थे, लेक्सस ले सकते थे, आपने ये मर्सिडीज बेंज क्यों सेलेक्ट किया आपने? सुनील भाई, लेने को तो कोई भी गाड़ी ले सकते थे, मेरे पास टाइटन की भी ऑप्शन थी इसी रेंज में, लेकिन मसला ये था कि लैंड क्रूजर वगैरह ये सारी गाड़ियाँ जो नहीं आपने मेरे उसमें गैराज टूर में देखी हुई हैं, ये पड़ी हुई हैं मेरे पास, इलेक्ट्रिक मेरे पास गाड़ी कोई खास नहीं है अभी तो, और इसकी डिमांड पाकिस्तान में काफ़ी भी जो है ना वो हो रही है, तो लोग जो है अभी इसको पसंद कर रहे हैं, तो उसमें उसमें ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए ना हमें थोड़ी सी कलेक्शन वगैरह जो ना करनी थी, तो इसमें BMW i7 की ऑप्शन थी मेरे पास, तो i7 बहुत अच्छी गाड़ी, काफी वहाँ पे हमारे पास हमजा खान है कराची में होते हैं, उनके पास i7 है, उनके पास i7 है, आप उनकी भी आप उनके ब्लॉग देख सकते हैं हमारे चैनल पे, काफी सारी उनकी गाड़ियां हैं और उनके पास भी i5 है BMW माशाल्लाह। अच्छा, माल रोड पे मजे की बात ये है कि यहाँ से आप लेफ्ट जाएंगे, आपने राइट जाना लेफ्ट जाना लेफ्ट चले माल रोड पे लेफ्ट, ये आगे ना आपको मिल जाएगा कनाल रोड, यहाँ से लगता है बिल्कुल साथ, तो वहाँ से अगर आप जाएंगे तो वहाँ से आपका ऑफिस भी एक उधर आता है, ठीक है, सैगल मोटर्स भी उधर ही है, सैगल मोटर्स मैंने प्रोडक्ट यूज किया, सैगल मोटर्स आपको पता होगा। के चने खाएंगे या क्या, आप खाने में क्या खाएंगे? खाने में सुनील भाई लोगों का हाथ खा लेते हैं हम, ठीक है, इसके अलावा गोसिया के चने खाएंगे आप? हाँ, गोसिया के चने मैंने हम आपको पता है इतना खाने का जो है उस तरह से शुक्रिया नहीं गाड़ी का ज्यादा शुक्रिया। खाने में क्या पसंद है आपको, कच्चा गोश्त पक्का गोश्त? सुनील भाई खाने में जो निहारी अच्छी है। कच्चा गोश्त खाया है कभी आपने? नहीं वो नहीं। अच्छा, कच्चा गोश्त में कभी आपने नमक चढ़े ऐसे नमक? अच्छा, काली पेपर डाले बड़ा अच्छा होता है, अच्छा, मफीद होता है खाने के लिए, आप खाया करें। अच्छा। सुनील भाई इसमें जो आपके कोई प्रोडक्ट्स हैं जो आप मतलब पास दिखा सकता हूँ मैं आपको, आपको शायद मैंने भिजवाई थी जी, जी आपका PR पैकेट मिला था मुझे, मैं आपको ये चीज, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक हमारी प्रोडक्ट है, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगा कि प्लीज आप ये खरीदें, ये $65 की $65 की है एक, तो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी बनते हैं $20,000, तो प्लीज आप ये, मैं रिकमेंड करूंगा हर न्यू गाड़ी के लिए, मंथ में एक दफा ले लें आप। अच्छा, दैट्स मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। तो ये जो इसका एप्लीकेशन है मतलब किस तरह अप्लाई वगैरह करते हैं ये अप्लाई आपकी, आप अपने कपड़ों पर नहीं लगा सकते, आप गाड़ी पे लगा दें तो पूरी गाड़ी में खुद से खुद, तो मतलब कपड़ों में, यार मैं तो देसी बंदा ना आपको पता है, मैं तो फिर मतलब कपड़ों में भी लगानी हुई शादी वगैरह पे जा रहा हूं, गाड़ी में परफ्यूम नहीं है तो आप तो फिर साबुन भी लगा दें इसको, साबुन से धोया करें आप गाड़ी को, तो लेकिन ओवरऑल गाड़ी अच्छी है, आप ट्राई करना चाहेंगे? नहीं नहीं सनी साहब, हमने तो आपको पता है माशाल्लाह ये तो गाड़ियों का काम है हमारा, मैंने चलाई वो चेक करें, वो चेक करें सुनील साहब, वो चेक करें कौन सी? अच्छा चलें, अच्छा तो ये आपको पता है हमजा साहब का ऑफिस है ये? अच्छा, ये वाला इनका ऑफिस है, ये इनका ऑफिस है माशाल्लाह, वो कराची से लाहौर के राया में जो इन्होंने बनाया हुआ था, बिल्कुल इधर जाना हमने, आप इधर जाना राइट पे, ये फेज 4 का आ गया, फेज 4 का जी राया, फेज 4 आ गया बिल्कुल आ गया, फिर आगे माल रोड आ जाएगा, आप चले आगे फिर एम्पोरियम मॉल आ जाएगा, वो लंबा देख रहे हैं आप, एम्पोरियम मॉल आ गया, छोटा भाई इधर होता है वो ज्यादा इधर के मामला देखते हैं, मैं तो वहाँ से भेजता हूँ मतलब जो है सारी इम्पोर्ट वगैरह। फैमिली का है आपकी? फैमिली सुनील भाई मेरी जो अपनी फैमिली है वो तो मेरी यूएस में होती है, यहाँ तो आपको पता हालात नहीं है उस तरह के, तो लेकिन कहाँ पे? अमेरिका में, मेरे भी काफी दोस्त रहते हैं अमेरिका में। अच्छा अच्छा, मैं सुनील भाई अमेरिका में जो है ना वो LA में होता हूँ, LA में होते हैं बिल्कुल, हाँ LA में मेरा आना हुआ एक दफा, दो दफा आना हुआ, एक दो दफा, तो आपने बताना था LA में आप आते तो सुनील साहब बहुत बिजी रहते हैं ना, बहुत बिजी रहते हैं, आए थे काफी दोस्त थे, काफी दोस्तों ने फोने की, तो फिर वहाँ पे भी ना काफी बिजी रहते हैं। सुनील साहब आप अपना कार मेला कब कर रहे हैं? नया जो नेक्स्ट कार शो है लाहौर में, बस करेंगे वेरी सून, मेरी टीम उस पर काम कर रही है।